तो जयपुर से खबर, भर्ती परीक्षाओं में लगने वाले समय को कम करने संबंधित निर्देश। परीक्षा बाद दस्तावेज सत्यापन विभाग स्तर पर कराने के निर्देश, इसकी एसओपी की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश। अब देखिएगा, न सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक माफिया एक चुनौती, बल्कि परीक्षाओं को किस ढंग से आयोजित किया जा रहा है और परीक्षा के बाद होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन को लेकर भी अब बेहतरी की तैयारी। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन में जो समय लगता है उसको लेके कई बार मेहनती छात्र सवाल और आवाज भी उठाते आए हैं, अब उसे कम करने के निर्देश आए हैं, कैसे कम किया जाएगा, क्या इसके लिए खाका तैयार किया गया है? देखिए जी, इसके लिए पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार ने तैयार किया है, क्योंकि ये एक हमेशा से ही बड़ी चिंता रही है सरकारों के लिए कि भर्ती परीक्षा सही समय पर हो, और परीक्षा सही समय पर होकर भर्ती किसी भी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि भर्ती इतनी हो जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में जो बेरोजगार है उनको राहत इससे मिल सकती है। तो इसको लेकर युवाओं की भी मांग वर्षों से चली आ रही है, और इसको लेकर तमाम तरह के सुझाव भी पहले लिए गए थे, जिसके आधार पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू किया गया है, उसे बनाया गया है, जो भर्ती परीक्षाओं के जो समय लगता है उसको कम कर सकता है। लेकिन ये अब इसमें ये भी तय किया जाना चाहिए शिखा कि विभागों के स्तर पर सही फैसला किस तरह से लिया जाए, इसकी क्या मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए, क्योंकि हमने प्राय ये भी देखा है कि विभाग के स्तर पर कई बार दस्तावेज सत्यापन में चूक छूट जाती है, जिसकी वजह से जो फर्जी जो नौकरी पा जाते हैं अभ्यर्थी वो भी एक केस बन सकता है। तो और हाल ही में हमने देखा कि कार्मिक विभाग ने ऐसे ही एक प्रार्थी को सेवा मुक्त भी किया है। तो ये सिस्टम किस तरह से फुल प्रूफ हो, इसको लेकर भी पर्याप्त मॉनिटरिंग की जरूरत है, और इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बहुत काफी ध्यान दिया गया है, लेकिन इन चीजों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है शिखा। बिल्कुल ऋतुराज जी, आपने ठीक कहा, फर्जी दस्तावेज सत्यापन के बाद जो पात्र बन जाते हैं और अपात्र होते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती, और इसमें भी कटनी छटनी करना भी प्राथमिकता। बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।